हेलो फ्रेंड्स, बिग फूडीज हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मसाला खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी बच्चों से लेकर बड़ों तक का सबसे पसंदीदा खाना होता है, और जब भी कुछ समझ ना आए कि क्या बनाएं, तो इससे अच्छी रेसिपी कोई और नहीं होती और इजीली बन भी जाती है। मसाला खिचड़ी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए जिन चीजों की जरूरत होगी उनकी जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। खिचड़ी बनाने के पहले अगर आपने बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, ये एकदम फ्री है। और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि नई रेसिपीज की जानकारी आपको मिल सके। आइए मसाला खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मसाला खिचड़ी बनाने के लिए हमने सादी मूंग दाल खिचड़ी ली है। आप सेम रेसिपी फॉलो करके किसी भी तरह की सादी खिचड़ी की मसाला खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल या घी लेंगे और उसे गर्म करेंगे। गैस को मीडियम पर ही सेट कर दीजिए। ऑयल या घी गर्म होने के बाद उसमें एक चुटकी हींग डालेंगे। अब 1 टीस्पून जीरा डालिए। वन टीस्पून राई डालिए। राई और जीरे को अच्छे से चटकने दीजिए। राई और जीरे के सिकने के बाद बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। लहसुन को अच्छे से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक सेकिए ताकि वो अच्छे से ब्राउन हो जाए। लहसुन के ब्राउन होने के बाद बारीक कटा हुआ या कुटा हुआ अदरक डालें और अदरक को अच्छे से सेकें। अपने टेस्ट के हिसाब से अदरक को बारीक कटा हुआ या कुटा हुआ ले सकते हैं। अच्छे से चम्मच से हिलाते हुए अदरक और लहसुन को सेकेंगे। अदरक और लहसुन के सेकने के बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और सेकेंगे। अगर हरी मिर्च पसंद ना हो तो ना डालें। अब एक बारीक कटी हुई छोटी प्याज डालिए। इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे ताकि प्याज सॉफ्ट एंड ट्रांसलूसेंट हो जाए। प्याज को हमें हल्का सा सॉफ्ट ही करना है, ज्यादा नहीं सेकना है। गैस की आंच को मीडियम पर ही रखिए। अगर लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो इस रेसिपी में लहसुन और प्याज मत डालिए, और बाकी सारे स्टेप सेम फॉलो करके भी बहुत टेस्टी मसाला खिचड़ी बनती है। प्याज के पकने के बाद उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ हम हल्दी पाउडर और सॉल्ट ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी सादी खिचड़ी में नमक और हल्दी ऑलरेडी डला हुआ है, इस बात का ध्यान रखना है। अब 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए या अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अब 1 टीस्पून अमचूर पाउडर डालेंगे। अच्छे से मसाले मिक्स करेंगे। अब 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। मसाले सेकते समय गैस की आंच को लो पर सेट कर दें ताकि मसाले नहीं जलें और अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमें मसालों को धीमी आंच पर ही सेकना है। मसालों के सिकने के बाद बारीक कटे हुए टमाटर डालिए। अब 1/2 कप हरी मटर डालेंगे। यहाँ हम फ्रेश या फ्रोजन कोई भी मटर यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए। अब गैस को मीडियम पे सेट करके 2 मिनट के लिए सब्जियों को पकने दीजिए। 2 मिनट बाद खिचड़ी ऐड करेंगे। सादी खिचड़ी की रेसिपी आप हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ हम किसी भी दाल की बनी हुई सादी खिचड़ी यूज कर सकते हैं, हमेशा टेस्टी ही लगती है। अब 1 से 2 कप पानी डालिए। अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पानी एडजस्ट कीजिए। जैसी कंसिस्टेंसी की खिचड़ी चाहिए उस हिसाब से पानी ऐड करना होगा। अगर गाढ़ी खिचड़ी चाहिए तो कम पानी डालेंगे, और अगर पतली खिचड़ी चाहिए तो ज्यादा पानी डालिए। अब अच्छे से खिचड़ी मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करके खिचड़ी को ढक दीजिए और 5 मिनट मीडियम लो आंच पर पकने दीजिए ताकि खिचड़ी में सारे मसालों और सब्जियों के फ्लेवर ठीक से आ पाए।
5 मिनट बाद हमारी मसाला खिचड़ी रेडी है, अच्छे से मिक्स करके सर्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने मसाला खिचड़ी सर्व कर दी है। सर्व करते टाइम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, उससे खिचड़ी दिखने में भी बहुत टेस्टी दिखती है और खाने में भी टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है, इसे दही, अचार और पापड़ के साथ सर्व करें तो और भी टेस्टी लगेगी। इस खिचड़ी को ट्राई जरूर करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करें। और अगर ये रेसिपी पसंद हो तो जरूर कमेंट करके बताएं और बिग फूडीज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि और लोग भी इस रेसिपी का फायदा उठा सकें। आप बिग फूडीज के इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।